और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है, क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पर आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये मेरे पास वो है तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलोसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूं इस पे, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को, बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को, बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते मार्केट में 1000 रुपये है कितने 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहती है मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 trillion, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 trillion। एक जन बैठता है सब लोग बैठने शुरू होते, लीमैन ब्रदर्स। कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजेंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब को, शराब खाने को, अमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमल्गेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है उसके ऊपर तकरीर मैंने की है, अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जापान अमेरिका सेंडिंग एम्बेसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मैं मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके, इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।